हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिसको फिक्स करने के बाद आप अपने मोबाइल को, एंड्रॉयड मोबाइल को अपने पीसी के साथ मिरर कास्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ जो आपके पीसी में इस टाइम आ रही है। तो वो प्रॉब्लम ये है कि दिस डिवाइस डज नॉट सपोर्ट रिसीविंग मिराकास्ट, सो यू कैन नॉट प्रोजेक्ट टू इट वायरलेसली। तो ये जो आप यहाँ पर जो ये यहाँ पर एरर देख रहे हैं, आज मैं आप सभी को इस एरर को फिक्स करके बताऊंगा। तो अगर आपने आज तक बहुत सारी वीडियो देख ली और आपका अगर सॉल्यूशन नहीं हुआ है तो इस वीडियो के अलावा आपको कोई अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसके अंदर आपको 5 स्टेप बताने वाला हूँ। तो सिंपली आपको उन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लेना है और 5 स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपकी प्रॉब्लम यहाँ से हट जाएगी। इसका मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊँगा। तो सबसे पहले तो आपको अपनी जो वाईफाई है, यूएसबी वाईफाई अडेप्टर, तो उसको आपको चेक कर लेना है कि वो ठीक से वर्क तो कर रही है। उससे आप इंटरनेट कनेक्ट करके देख लेना एक बार कि उससे इंटरनेट तो कनेक्ट हो रहा है, कहीं वो वाईफाई की चिप तो ख़राब नहीं हो गई है। तो उसको चेक करने के बाद सिंपली आपको उसको अपने पीसी के साथ प्रॉपरली कनेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप उसको कनेक्ट करेंगे अपने पीसी के साथ, उसके बाद आपको सेकेंड टाइम आपको उस वाईफाई का ड्राइवर अपडेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू पर राइट क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेना होगा। और डिवाइस मैनेजर को ओपन होने के बाद इसको ऐसे मैक्सिमाइज कर लेना है और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर नेटवर्क अडेप्टर्स पर डबल क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपकी जो वाईफाई है उसका आपको यहाँ पर ड्राइवर देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ चुका है, वायरलेस लैन 802.11n। तो ये जो ऐसा कुछ यूएसबी वाईफाई अडेप्टर आपके पीसी के अंदर शो हो जाएगा, उसके बाद सिंपली आपको इस पर राइट क्लिक करना है और इसे यहाँ से इसे अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है। उसके बाद ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स पर क्लिक करना है। उसके बाद इस नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट करके सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो ड्राइवर है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली या फिर रिपेयर हो चुका है। तो इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप के अंदर आपको अपने विंडोज़ के अंदर सर्च करना है, सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च करना है विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल। तो जैसे आप इस विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल को यहाँ से ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर रिस्टोर डिफॉल्ट वाली ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और जैसे आप रिस्टोर डिफॉल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर रिस्टोर डिफॉल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और जैसे आप रिस्टोर डिफॉल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, उसके बाद ये यहाँ से ये सेटिंग भी हो जाएगी। उसके बाद आपको फोर्थ सेटिंग में आपको अपने पीसी के अंदर वायरलेस डिस्प्ले का जो ऑप्शनल फीचर होता है उसे आपको अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर लेना होगा। तो उसको वैसे तो इंस्टॉल करने की वीडियो मैंने पहले से बनाई हुई है और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे पीसी के अंदर वो पहले से इंस्टॉल है। तो यहाँ से स्टार्ट मेन्यू को ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले मैं। उसके बाद यहाँ से होम पर जाना है और उसके बाद ऐप्स पर जाना है और ऐप्स पर जाने के बाद सिंपली हमें ऑप्शनल फीचर पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जैसे हम ऑप्शनल फीचर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर सर्च करना है वायरलेस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वायरलेस डिस्प्ले यहाँ पर आ चुका है। तो मैंने इसको पहले से अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अगर आपको भी इसको अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल करना होगा तो इंस्टॉल करने के बाद के लिए आप यहाँ पर आई बटन में वीडियो देख सकते हैं, उसको आप वॉच कर लीजिए। वॉच करने के बाद आप इसको आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद लास्ट और जो फिफ्थ जो हमारी स्टेप आती है वो आती है हमें अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लेना होगा। हाँ, जब हमारी वाईफाई की चिप जब हमारे पीसी से कनेक्ट होगी तो कनेक्ट होने के बाद हमें अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कर लेना होगा। और जैसे रीस्टार्ट करेंगे तो रीस्टार्ट करने के बाद हमारी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। और तो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, मैं यहाँ पर अपने पीसी को रीस्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ इस प्रॉब्लम को। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बीच में से पार्ट यहाँ पर स्किप कर दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें सेटिंग पर जाना है और सेटिंग पर जाने के बाद हमें यहाँ पर सिस्टम पर क्लिक करना है और सिस्टम के बाद हमें यहाँ पर प्रोजेक्ट टू दिस पीसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी सेटिंग्स यहाँ से हट चुकी है और वो एरर भी यहाँ से हट चुका है। अब हम आराम से अपने पीसी को अपने एंड्रॉयड मोबाइल के साथ मिरर कास्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।